2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी को लगातार तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने के लिए विपक्षी एकता की भी चर्चा हो रही है और इन सब के बीच पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने ऐसी किसी भी संभावनाओं को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कांग्रेस पर भी तंज कसा। इसके अलावा राहुल गांधी की अदालत में पेशी के लिए मुख्यमंत्रियों सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को सूरत जाने पर भी कटाक्ष किया। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में कुछ भी नहीं बदला। कांग्रेस को सिर्फ उन्हीं राज्यों में जीत की उम्मीद है जहां उनके पास मजबूत लोकल लीडर है। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व ये दावा नहीं कर सकता कि उनकी वजह से पार्टी किसी राज्य में जीत रही है या हार रही है। गुलाम नबी आजाद अपनी पुरानी पार्टी पर खूब भड़के। उन्होंने कहा, केंद्रीय नेतृत्व का किसी भी सीट पर कोई प्रभाव नहीं है। वे किसी को ना तो जिता सकते हैं और ना ही हरा सकते हैं। कांग्रेस नेताओं की हार या जीत उस प्रदेश में मौजूद नेतृत्व पर निर्भर करता है। तो वहीं विपक्षी एकता से जुड़े सवाल पर गुलाम नबी आजाद ने कहा, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी कोई राष्ट्रीय स्तर की महत्वाकांक्षा है। हो सकता है कि कभी किसी नेता की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा रही होगी। अब हर कोई सिर्फ इतना सोचता है कि उतना ही खाओ कि जितना पचा सको। भारत जैसे विशाल देश में एक राष्ट्रीय पार्टी बनना और साथ आकर भी देश के कोने कोने में पहुंच बनाना बहुत मुश्किल है। विपक्षी एकता नहीं होने वाला। एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर मेरा यही नजरिया है। पश्चिम बंगाल में अगर गठबंधन होता है तो वहां भला कांग्रेस के पास क्या है? एक भी सीट नहीं है। कांग्रेस टीएमसी को कैसे फायदा पहुंचा सकती है? ममता बनर्जी 42 सीटों में से 5 या 10 सीटें कांग्रेस को क्यों देंगी? गठबंधन उन्हीं दलों के बीच होता है जिनके पास वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता हो। यह फिलहाल संभव नहीं। यहाँ तो हालात ऐसे हैं कि कई राज्यों में जहाँ कांग्रेस की वजह से वहाँ की क्षेत्रीय पार्टियों की हार हुई है। बीजेपी के लिए 2024 में कितनी चुनौती होगी, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, भारत की राजनीति में चुनौतियां रही हैं। अगर इच्छा शक्ति हो और आपके पास पर्याप्त संख्या हो तो ये संभव है। हमने 1991 और 2004 में देखा है। 1998 और 1999 में अटल जी ने चुनाव के बाद कई दलों को साथ किया था। कांग्रेस ने भी दो बार ऐसा किया। यहाँ तक कि मोदी जी ने भी गठबंधन किया था, हालांकि उन्हें इसकी जरूरत नहीं थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।